दाहोद जिला खाते छेल्ला त्रण चार महीना थी एसओजी अने साइबर पुलिस स्टेशन पास एक अरजी तपास चाली रही थी, जेमा एक व्यक्ति ने छेल्ला त्रण चार महीना थी तेमना पत्नी नो न्यूड वीडियो वायरल करी दे एक प्रकार की धाक धमकी आपी एमनी पासे थी शुरुआत में 90 लाख पछी 50 लाख अने पछी 30 लाख एम खंडणी की मांगणी करवामां आवती हती। आ बाबते तपास दरमियान मालूम पड़े कि आरोपीओ अलग अलग प्रकारना व्हाट्सअप नंबरो यूज करता था अने व्हाट्सअप कॉलिंग थी ज बात करता था। आ व्हाट्सअप कॉलिंग माटे बात करवा माटे ते लोको अलग अलग फ्री वाईफाई अथवा तो ए प्रकारनी व्यवस्थानो उपयोग करता था जेथी पुलिस एमने ट्रेस न करी शके। आ उपरांत सदर हुवो आरोपीओए खोटा जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट्स अने टेलिग्राम नो पण उपयोग करी अने एमना परिवारजनोने एमना फेसबुक फ्रेंड, इंस्टाग्राम फ्रेंड बधाने मैसेज करी अने भोग बननार पासेथी पैसा पड़ावानी कोशिश करी। आ बधी बाबतोनुं टेक्निकल एनालिसिस करवामां आवेलुं अने व्हाट्सअप नी टीम द्वारा पण पूरी मदद प्राप्त थयेली, जेना आधारे साइबर क्राइमना पीआई पढ़ियार अने एमनी साथे 10 लोकोनी टीमे ફિલ્ડ ઉપર 6 કલાક જેટલું ઓપરેશન કરી 3 આરોપીઓને પકડી પાડવામાં સફળતા મળી છે, જેમાં ધવલ પરમાર એ મુખ્ય આરોપી છે, બીજો આરોપી છે અનિલ પરમાર અને ત્રીજાનું નામ છે મોનાલી બામણ। આમાં ત્રણેય લોકોએ ભેગા મળી છેલ્લા 3-4 મહિનાથી પૈસા પડાવવા માટે થઈ અલગ અલગ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી અને આ ગુનાને અંજામ આપેલો, જે ગુનો શોધી કાઢવામાં, આરોપીઓ પકડી પાડવામાં અને ગુનાને લગતા તમામ પુરાવાઓ, ટેકનિકલ પુરાવાઓ પ્રાપ્ત કરવામાં દાહોદ જિલ્લા પોલીસને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ। દાહોદ જિલ્લા ખાતે છેલ્લા 3-4